अगर आप भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हो या आप पैसा कमाने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है YouTube से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट बनाना होता है। जीमेल अकाउंट से ही आपका यूट्यूब अकाउंट क्रिएट होता है। यूट्यूब अकाउंट से आप एक अपना एक चैनल बनाए खुद का, जिस पर आप आपके एवरी डे, एवरी वीक या हर महीने उस पर वीडियोस अपलोड कर सकें और आप एक सही कंटेंट चुनें ताकि आपके जो सब्सक्राइबर्स जल्दी गेन हो जाएं। तो आपको जब आप आपका चैनल बनाते हो उसको आपकी अगर अर्निंग करना है तो आप उसको मोनेटाइजेशन इनेबल करना होता है। यानी यूट्यूब की पॉलिसी रहती है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होता तब तक आप उसमें कुछ अर्निंग नहीं कर पाते हो। मोनेटाइजेशन इनेबल का मतलब क्या होता है, जब वो इनेबल होता है तो आपके वीडियोज़ पर ऐड आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी ये यूट्यूब की पॉलिसी रहती है। अब ये आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल कब होता है, YouTube की पॉलिसी क्या कहती है, एक साल के अंदर या 12 महीने के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। अगर आपने ये जल्दी कंप्लीट कर लिया या एक साल के बाद किया, एक साल के बाद करोगे तो आपका चैनल का कोई मतलब मायने ही नहीं रहेंगे, वो चैनल भले आप बंद कर दें। लेकिन आपने अगर एक साल से पहले कर लिया तो आपका चैनल रिव्यू में चला जाएगा। यानी YouTube उसको वेरीफाई करेगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, आपने क्या क्या कॉपीराइट डाले हैं, क्या क्या कंटेंट आपने कॉपी किए हैं, क्या क्या मतलब जो भी है उसको वेरीफाई करेगा। इसके बाद वो आपको आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल कर देगा। इसके बाद आपको एक गूगल पर जाके एक एडसन अकाउंट बनाना होता है। एडसन अकाउंट में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डालोगे, आपका फ़ोन नंबर, आपके अकाउंट नंबर, आपका सब कुछ जो भी मांगता है। इसके बाद आपका एडसन अकाउंट बनने के बाद पोस्ट ऑफिस से एडसन अकाउंट का एक कोड आता है, जिसको आप उस एडसन अकाउंट में डालोगे तब आपका एडसन अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर जब भी आपके यूट्यूब चैनल पर आपके वीडियोस आप डालोगे तो वीडियो डालने के बाद जो वीडियो में ऐड आते हैं आपको उसकी अर्निंग होती है, ना कि यूट्यूब अपनी जेब से देता है या कोई और देता है। जब आपके वीडियोस पर ऐड आएंगे तभी आपकी अर्निंग होगी। तो आपकी अर्निंग जब आपके वीडियोस पर ऐड आते हैं तो जो आपकी अर्निंग होती है वो डॉलर में होती है या आप कोई सी भी करेंसी चूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पर ऑप्शन होता है। तो जब भी आपके वीडियो में ऐड आएगा तो वो आपके एडसन अकाउंट में ऐड होगा। यानी जो आपने एडसन अकाउंट बनाया है उसमें जाकर वो डॉलर या आप जो भी करेंसी रखोगे वो उस पर ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद आप उस करेंसी को अपने जो रुपए हैं उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसमें ऑप्शन होता है आप किसी के भी अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये मनी आप डॉलर से अपने खुद के जो इंडियन रुपीस है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यानी $1 65 rupees का होता है तो यानी $100 6,500 rupees आपको मिल जाते हैं। जो आपका एडसन अकाउंट है उसमें से आप $100 से नीचे पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आपके $100 से ऊपर पैसे हैं तो आप उसको इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो $100 से ऊपर। तो ये पूरा सेटअप होता है। आप जब यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन मैंने आज आपको स्टेप बाई स्टेप सब कुछ समझाया है। तो इसको फॉलो जरूर करें एंड आप परेशान ना हो, आप सिर्फ अच्छा कंटेंट डालना है। सब्सक्राइबर्स बहुत टाइम आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।